नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साबूदाने के बारे में कि फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो साबूदाना होता है उसका इस्तेमाल व्रत में खाई जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा होता है, और शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो व्रत के बिना इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साबूदाना आखिर बनता कैसे है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साबूदाना किसी अनाज से नहीं बनता है, बल्कि साबूदाना टैपियाको की पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और ये टैपियाका मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका का पौधा है और इसे 19वीं सदी के शुरुआत में भारत लाया गया था। और हमारे भारत में साबूदाना बनाने की शुरुआत 1943-44 में शुरू हुई थी। लेकिन ये साबूदाना बनाया कैसे जाता है? साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले टैपियाके के पेड़ से इसकी जड़ को हार्वेस्ट करके निकाल लिया जाता है, और इसकी ये जो जड़ होती है इसे कसावा रूट कहा जाता है। इसकी जड़ों को निकालने के बाद पानी से अच्छी तरह इनकी जड़ों को धोया जाता है और इनसे मिट्टी को अलग कर अच्छे से साफ कर लिया जाता है। और ये सारी की सारी प्रोसेस मशीनों के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद जो कसावा जड़ होती है उसकी ऊपरी परत को या इसके छिलके को छीलकर पूरी तरह से हटा दिया जाता है, और इसके लिए ऑटोमेटिक पीलिंग मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। इनका छिलका निकलने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, और जिससे कि किसी तरह की गलती की कोई पॉसिबिलिटी ना रहे। फिर छिली हुई जड़ को क्रशिंग मशीन में कन्वेयर बेल्ट की मदद से डालकर अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। पर आपको बता दूं कि इन्हें पानी मिलाकर पीसा जाता है, और जब ये पीसकर तैयार हो जाते हैं तो एक दूधिया रंग का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और पीसने के बाद ये जो पेस्ट तैयार होता है इसमें से शुद्ध स्टार्च और फाइबर को अलग अलग किया जाता है। इसके साथ ही रॉ स्टार्च को भी 3-4 फिल्टरों से अच्छी तरह से रिफाइनिंग की जाती है। और इस प्रोसेस के पूरी हो जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जेट रिफाइनर के द्वारा निकाल दिया जाता है, और जो फाइबर होता है उसे पल्प मशीन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। और ये जो गूदा होता है उसे सूरज की रोशनी में या फिर मैकेनिकल ड्रायर में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि उस गूदे में नमी यानी कि मॉइस्चर की मात्रा 12% तक ना हो जाए। और सूखने के बाद ये गूदा बड़े बड़े पार्ट्स में होता है और जिसे मशीन में डालकर फिर से पीसा जाता है, और जिससे ये गूदा खुरदरा आटे के जैसा हो जाता है। उसके बाद आखिरी में इस खुरदरे आटे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए साबूदाने का शेप देने वाली मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस खुरदरे आटे को 1 mm से 7 mm के साबूदाने के आकार में बदल देती है। और इसके बाद इस साबूदाने की पैकिंग की जाती है और फिर ये मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों, साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाया जाता है, और साथ ही इसमें कैल्शियम और विटामिन सी भी कुछ मात्रा में मौजूद होता है, और शायद इसी वजह से व्रत में इससे बनी चीजें खाने का चलन बढ़ता गया है। और आपको बता दूं कि इससे खिचड़ी, हलवा, चाट, इस तरह की व्रत वाली रेसिपीज बनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को साबूदाने से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वैसे क्या आपने कभी साबूदाने से बनी कोई चीज खाई है, और क्या आप जानते थे कि साबूदाना किस चीज से बनता है? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।